बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईके ट्यूटोरियल में खुशामदी। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन एंड बायोकेमिस्ट्री। इन अवर थर्ड लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड वाटर एंड इट्स बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसेस। अबाउट वाटर इट इज सेड दैट लाइफ is in water and water is in life। अगर हम इस सेंटेंस को समझें, यू विल फाइंड इन लाइफ वाटर इज प्रेजेंट फ्रॉम 70-90%। लिविंग टिश्यूज की अगर हम बात करें तो 20% जो है हमारा वो बोन्स में प्रेजेंट होता है और हमारा 85% जो वाटर है वो ब्रेन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। लाइफ इज़ इन वाटर एंड वाटर इज़ इन लाइफ। और अगर बिसाइड दिस हम देखें कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ अ काइंड ऑफ लाइफ इज़ लिविंग इन वाटर इज़ एक्वेटिक। So this is why we say life is in water and water is in life। This is the reason कि हमारी जो living system है उसमें greater percentage में water present है और हमारी most of the living organisms जो हैं वो aquatic हैं, यानी कि वो water में survive करते हैं या उनकी जो life है वो water में मतलब के exist करती है। Okay, afterward we have to understand biological importances, why water is so biological important। Water is biologically important because of its properties। Number one, the solvent property। Water is one of the best solvent in living system। Any type of substance, especially ionic substance, get dissolved into the water because of its polar nature। तो water की polar nature होने की वजह से most of the substance जो हैं वो water में क्या कर जाते हैं, dissolve कर जाते हैं। And it provide basic medium for many of the reactions inside the living system and it also take directly part in some of the reactions like hydrolysis and photosynthesis as a raw material। So this is the one of the property why water is so important, because of its solvent property। The second property making it important is heat capacity, or we will say high heat capacity। Water absorb much of the heat with minimum change in its own temperature। Water absorb much of the heat with minimum change in its temperature। यानी कि हमारा जो वाटर है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है with little change in its own temperature because of the hydrogen bonds। यानी कि जो हीट उनको प्रोवाइड की जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट हेल्प टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दैट्स वाई वाटर चेंज इट्स ओन टेम्परेचर वेरी लिटिल बिट। अब हीट कैपेसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, what heat capacity is, so energy required so
सॉरी विच एनर्जी हीट एनर्जी और वी कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हम 14 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें और जो हमारी एनर्जी कैलोरीज में रिक्वायर्ड है उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर व्हिच इज़ वेरी हाई. द थर्ड प्रॉपर्टी व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन फर्स्ट वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय द हीट ऑफ वेपोराइजेशन. कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड. तो जो हमारे ग्राम वेपोराइज हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 ग्राम वेपोराइज करने के लिए हमें जो एनर्जी नीडेड है इन द फॉर्म ऑफ हीट उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन व्हिच इज़ आल्सो हाई इन केस ऑफ वाटर. इट इज़ सेड अबाउट दैट वेपोराइजेशन आल्सो काज कूलिंग इफेक्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो. अगर हम प्लांट्स देखें तो इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इन एनिमल इन फॉर्म ऑफ परस्पायरेशन इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट विद इन द ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स में हमारी ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा पानी अगर वो वेपोराइज होगा और परस्पायरेशन इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एनिमल्स में जो है वो परस्पायरेशन के फॉर्म में. अगर हम 1 लीटर पानी लें मीन्स 1000 ml तो 1000 ml में से अगर 2 ml वेपोराइज हो जाए इफ 2 ml गेट वेपोराइज तो रिमेनिंग जो हमारे 998 ml हैं उनका टेम्परेचर जो है वो 1 degree centigrade फॉल होगा. दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट्स वाई वाटर काज कूलिंग इफेक्ट. द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज प्रोटेक्शन. वाटर इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर इन द फॉर्म इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुब्रिकेंट इन विद इन द ऑर्गेनिजम्स. तो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स में जो है वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल टीयर्स जो हैं वो आईलिड की फ्रिक्शन को यानी कि रिड्यूस करते हैं और ऑर्गन्स की सरफेसेस में जो प्रेजेंट वाटर है वो भी है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गन्स की वर्किंग के दौरान उनमें फ्रिक्शन को कम करता है. सो दिस इज़ व्हाई द वाटर इज़ सो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट. होप यू अंडरस्टैंड. इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज़ बायो मॉलिक्यूल. थैंक यू सो मच.